विविध परंपराओं और मान्यताओं से भरे अपने देश में कई ऐसे नज़ारे दिखते हैं जिन्हें देख लोग हैरान रह जाते हैं। बक्सर के चरित्र वन स्थित शमशान घाट परिसर में स्थित शमशान वासिनी माँ काली मंदिर में भी एक ऐसा ही नज़ारा यहाँ आने जाने वालों को हैरान करता है। मंदिर के परम भक्तों में इंसानों के साथ कुत्ते भी शामिल हैं। सुबह शाम मंदिर की आरती में कुत्ते झुंड बनाकर शरीक होते हैं। आरती की पहली घंटी बजते ही शमशान के आसपास घूमते हुए कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। मंदिर की सीढ़ी चढ़ गर्भगृह के सामने मुंह कर खड़े हो जाते हैं और एक स्वर में भौंकते हैं। आरती के बाद प्रसाद में उन्हें भी मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद खाकर वे वहां से चले जाते हैं। आरती के दौरान वहां अन्य लोग भी होते हैं, लेकिन शमशान घाट के आसपास विचरण वाले दर्जन भर खूंखार कुत्ते किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और मिश्री खाने के बाद चुपचाप वहां से चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी मुन्ना पंडित बताते हैं कि वह खुद करीब 20 सालों से ऐसे ही आरती में कुत्तों को शामिल होते देख रहे हैं। पुराने लोग बताते हैं कि बहुत पहले मड़ई में माँ काली की पूजा होती थी, उस समय भी कुत्ते यहाँ जमघट लगाए रहते थे। बाद में पुजारी हरिराम बाबा के समय मंदिर की स्थापना हुई और सुबह शाम विधिवत आरती होने लगी। मंदिर से कुत्तों का जुड़ाव को देखते हुए इसी परिसर में श्री काल भैरवनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर के सामने पंचमुड आसन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पूजा कराने से काल विपदा टल जाती है। शमशान वासिनी काली मंदिर में प्रत्येक सप्ताह रविवार और मंगलवार को विशेष पूजा होती है। इसे शिवा बलि पूजा कहा जाता है। इसमें कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद कुत्तों को भोग लगाया जाता है। कुछ जानकार लोगों ने बताया है कि यहाँ का खर्च फक्कड़ बाबाओं की आमद से चलता है। शमशान घाट में कर्म कांड कराने के बाद फक्कड़ बाबा को जो पैसे मिलते हैं उसका आधा हिस्सा मंदिर के खाते में जाता है। ऐसे में मंदिर की दैनिक आमदनी काफी अच्छी है। यहाँ का रखरखाव इसी से होता है और बाकी का पैसा किसी निजी व्यक्ति के खाते में चला जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।